अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। सॉरी मैंने कल गलती से नौवा रमज़ान बोल दिया था जबकि आज है नौवा रोज़ा और मेरा एक दिन ज़्यादा ही चल गया। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, आज मैं सिर्फ बना रही हूँ चिली पटैटो। तो उसकी रेसिपी मैंने एक बार पहले भी चैनल पर अपलोड करी है, फिर आज मैं जल्दी जल्दी से कर देती हूँ, जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ों से मैं बहुत ही सिंपल चीज़ों से और बहुत ही स्वीट से चिली पटैटो बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं सामान। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो लिए हैं आलू, 3 से 4 प्याज हैं, 2 हरी शिमला मिर्च हैं और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं आलूओं के अंदर सबसे पहले अरारोट और फ्रूट कलर मिलाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने इसके अंदर पानी जो है बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है क्योंकि ऐसे ही आलू जो है वो अपना पानी छोड़ते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग पानी ना मिलाइएगा, उसको फटाफट से देख लीजिए कलर भी अच्छा सा आ रहा है और सारे आलूओं में हमारे अरारोट लग जाए, हमें इतना डालना है। ये देखिए अपने आप ही गीला हो गया है। कलर देखिए कितना प्यारा सा आ गया है इनके अंदर। मुझे थोड़ा सा ना कम लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब हम चलते हैं इनको बस इसी तरीके से हाथ में पकड़ के और खुला खुला सा फ्राई कर देंगे। एक सेकेंड, हाथ धुंद हो रहे हैं मेरे। यहाँ पे मैंने डाला है, इस तरीके से डाल दीजिएगा, बहुत ध्यान से डालिएगा, हाथ गिरने का भी बहुत खतरा है इसके अंदर। तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरी कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कम ही डालूँगी आलूओं को। अच्छा जी, तो मैंने ये सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं अपने चिली पटैटो। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे अपने फ्राई करके निकाल लिए हैं चिली पटैटो। अब यहाँ पर मैंने हल्का सा तेल डाला है, इसी कढ़ाई से तेल डाल दिया था और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने प्याज शामिल करूँगी। अच्छी बन जाएंगे। प्याज का मुझे कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। क्या दे दूं बेटा? अच्छा जाओ किसे बहन लो भी। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है हमारे यहाँ पर मसाले तैयार करने की। तो ये वो पानी है जो जिसमें अरारोट मिलाया था मैंने, ये वही है। तो मैंने उसे वेस्ट में होने दिया जिसमें आलूओं के अंदर अरारोट मिलाया था। तो वो ये कलर वाला पानी है, उसके अंदर मैं अपने मसाले शामिल कर रही हूँ, सॉरी सॉसेस शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने शिमला मिर्च भी कढ़ाई में डाल दी है, ये मैं सोया सॉस ले रही हूँ, इसके विनेगर है, मैंने 2 चम्मच विनेगर डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और रेड चिली सॉस डाली है। तो सारी सॉसें मैंने इसके अंदर मिला ली हैं और यहाँ पर मैं अब शिमला मिर्च और प्याज जो है उसको सौते कर रही हूँ।
में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। ऐड मैंने अपने आलू में भी करा था जब मैंने उनको फ्राई करने जा रही थी, तो थोड़ा सा ऐड कर दिया था मैंने नमक उसके अंदर। तो नमक पे हाथ थोड़ा सा रोक के चलिएगा। और अजीनोमोटो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं उसे स्किप करती हूँ क्योंकि वो ठीक नहीं होता है अजीनोमोटो खाना, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। मैं सिंपल सादा नमक जो होता है वो यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा केचप डाल दिया है और थोड़ा सा विनेगर और डाल दिया है, दैट्स इट। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको सब्जियों को अपनी गला लूँगी। वैसे तो थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है, तो मेरी सॉफ्ट सी थोड़ी सी प्याज हो गई, थोड़ी सॉफ्ट मेरी शिमला मिर्च भी हो गई थी। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया। और मेरे चिली पटेटो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। मैंने सारे फिंगर फ्राइज जो थे वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर दिए। थोड़ा सा टमाटो सॉस और मिला है, आप चाहो तो इसके अंदर हनी भी डाल सकते हो, बट मैंने सॉस का यूज़ करा है और बहुत ही अच्छी लगी थी टमाटो सॉस। तो देखिए दोस्तों बन के तैयार है मेरे चिली पटेटो, इतने यमी से लग रहे हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी मैंने आपको दी है चिली पटेटो की। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो जब हम अब तैयार करते हैं अपना रोज़ा। हाय गाइस, आप भी आ जाइए करने के लिए। अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं ठीक। तो उस दिन था मेरी बहनों का अफ्तार और आज है आसिफ जी की बहन का अफ्तार। ये आसिफ जी की बहन है और ये हमारी अफ्तार पार्टी चल रही है। ठीक है, थैंक यू भाभी फॉर लवली इफ्तार। तो बस अभी हम लोग कर रहे हैं अफ्तार अपना, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ठीक है, चलो जल्दी से रोज़ अफ्तार कर लेते हैं। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, इशा की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं और हमारी ननद साहिबा जो है अपने घर जा चुकी हैं, आसिफ जी घर छोड़कर आ गए उनके। और ये आसिफ जी की रियल सिस्टर नहीं है, बट रियल सिस्टर से कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है दोनों भाई बहनों में आपस में। तो एक बार पहले भी ये कई बार घर पे आ चुके हैं, बट मैं जब भी वीडियो इनका शूट करती हूँ ना, हमेशा पता नहीं कैसे कुदरती डिलीट हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो आज फाइनली मैंने इनका वीडियो कैप्चर कर लिया है और इन्होंने आपसे बात भी करी है। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही। रोज़ अफ्तार के बाद तो बिल्कुल ही हालत डाउन हो गई थी, और अभी भी मैंने कुछ ख़ास घर का करा नहीं है। बस अफ्तार बनाने के बाद, उनको देने के बाद, अफ्तार करने के बाद जब वो चली गई, उसके बाद मैं बस लेटी हूँ लिटरली। जब से बालों में मैंने ऑयलिंग भी कर ली है, क्योंकि मेरा सर जो है ना बहुत भारी हो रहा है, गले में बहुत दर्द हो रहा है और फीवर जैसा भी फील हो रहा है। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है और बार बार इतनी ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है कि पानी पीने के बावजूद भी ना फिर भी दो दो मिनट में ऐसा लगता है जैसे पानी पी लो पानी पी लो। तो बस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालत हँसता है, सस्ता नहीं हँसता है। तो आसिफ जी की तो पहले से ही तबीयत ख़राब थी, उनको पहले से ही गले में दर्द हो रहा था, फीवर हो रहा था, और फिर उसके बाद मुझे भी हो गया। अभी इनायत को भी गले में दर्द है। और मेरा तो ऐसे हो गया कि आज सुबह जब मैंने सहरी करी थी ना, उसके बाद ना मैंने ठंडा दूध फ्रिज का ले लिया था, और बस वो उस दूध ने ना मेरे को इतनी ख़राश कर दी। और दूध भी मैंने एंड मोमेंट पे पिया था, उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मैं गला गर्म पानी पी लूँ। जैसे ही मैंने दूध पी के गिलास रखा है, फ़ौरन अजान होने लगी थी। तो बस फिर जब से मैं सुबह से खराश 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 की कर रही हूँ, खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रोज़ा ख़राब नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा रख लिया था। बस अभी बॉडी में बहुत पेन है, सर में भी बहुत दर्द है, बुखार चढ़ रहा है। तो अभी देखो शायद मैं कल का रोज़ा ना रख पाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, और बच्चों का साथ है तो फिर इसलिए। और मैंने पता है ये वीडियो जो है ना कल से शुरू कर रखा है, अभी एंड करने का आया ही नहीं मौका, तो आज मैं इसको एंड कर रही हूँ कल का वीडियो। कल मैंने चिली पटेटो बनाए थे तो उसकी रेसिपी भी है, और बस अब ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, कुछ ज़्यादा ही नहीं, करोना नहीं है हम लोगों को, बस वायरल चल रहा है, वायरल है। क्योंकि जब डॉक्टर से भी चेकअप कराया तो मेरा फीवर इतना ज़्यादा नहीं था, अभी बॉडी के अंदर ही है। आसिफ जी को फीवर ज़्यादा था, बट मुझे इतना ज़्यादा फीवर नहीं है। मुझे तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज दोपहर में भी सोने को नहीं मिला, पूरा दिन हो गया, सुबह से जो क्या है पूरा दिन हो गया। मेरी स्किन देखो कितनी ख़राब हो रखी है, पूरी ना ड्राई ड्राई ड्राई, बॉडी तो ड्राई हो ही रही है, स्किन भी बहुत ड्राई हो गई है। तो चलो स्किन के लिए भी स्किन केयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना
बस वीडियो का एंड करती हूँ, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, मन भी नहीं हो रहा बोलने का, है ना आपको? बंद कर दो वीडियो। अच्छा अच्छा वीडियो एंड करेंगे जल्दी यार, आपको करेगी एंड। हाँ आप जल्दी आप कहेंगे चैनल को ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बोलो मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है आज बहुत दिनों बाद अल्फिया बात करेंगे। हाँ बोलो बोलो, मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करो। ये तो इनके हाल है, एक है कि बोलती नहीं है और दूसरी वाली है कि चुप होती नहीं है। तो चलिए बस नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अभी रुको रुको, ठीक है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। फिर हम किसी और ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, ईशा की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं और हमारी ननद साहिबा जो है अपने घर जा चुकी हैं, आसिफ जी घर छोड़कर आ गए उनके। और ये आसिफ जी की रियल सिस्टर नहीं है, बट रियल सिस्टर से कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है दोनों भाई बहनों में आपस में। तो एक बार पहले भी कई बार घर पर आ चुके हैं, बट मैं जब भी वीडियो इनका शूट करती हूँ ना, हमेशा पता नहीं कैसे कुदरती डिलीट हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो आज फाइनली मैंने इनका वीडियो कैप्चर कर लिया है और इन्होंने आपसे बात भी करी है, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही। रोज़ा अफ्तार के बाद तो बिल्कुल ही हालत डाउन हो गई थी, और अभी भी मैंने कुछ ख़ास घर का करा नहीं है, बस अफ्तार बनाने के बाद, उनको देने के बाद, अफ्तार करने के बाद जब वो चली गई, उसके बाद मैं बस लेटी हूँ लिटरली। जब से बालों में मैंने ऑयलिंग भी कर ली है, क्योंकि मेरा सर जो है ना बहुत भारी हो रहा है, गले में बहुत दर्द हो रहा है और फीवर जैसा भी फील हो रहा है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है और बार बार इतनी ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है कि पानी पीने के बावजूद भी ना फिर भी 2-2 मिनट में ऐसा लगता है जैसे पानी पी लो पानी पी लो। तो बस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालत खस्ता है, सस्ता नहीं खस्ता है। तो आसिफ जी की तो पहले से ही तबीयत ख़राब थी, उनको पहले से ही गले में दर्द हो रहा था, फीवर हो रहा था, और फिर उसके बाद मुझे भी हो गया, अभी इनायत को भी गले में दर्द है। और मेरा तो ऐसे हो गया कि आज सुबह जब मैंने सहरी करी थी ना, उसके बाद ना मैंने ठंडा दूध फ्रिज का ले लिया था, और बस वो दूध ने ना मेरे को इतनी खराश कर दी, और दूध भी मैंने एंड मोमेंट पे पिया था, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं गला गर्म पानी पीलूँ। जैसे ही मैंने दूध पी के गिलास रखा है, फ़ौरन अजान होने लगी थी। तो बस फिर जब से मैं सुबह से खराश 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 की कर रही हूँ, खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रोज़ा ख़राब नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा रख लिया था। बस अभी बॉडी में बहुत पेन है, सर में भी बहुत दर्द है, बुखार चढ़ रहा है, तो अभी देखो शायद मैं कल का रोज़ा ना रख पाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, और बच्चों का साथ है तो फिर इसलिए। और मैंने पता है ये वीडियो जो है ना कल से शुरू कर रखा है, अभी एंड करने का आया ही नहीं मौका, तो आज मैं इसको एंड कर रही हूँ कल का वीडियो। कल मैंने चिली पटेटो बनाए थे, तो उसकी रेसिपी भी है, और बस अब ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, कुछ ज़्यादा ही नहीं, कोरोना नहीं है हम लोगों को, बस वायरल चल रहा है, वायरल है, क्योंकि जब डॉक्टर से भी चेकअप कराया तो मेरा फीवर इतना ज़्यादा नहीं था, अभी बॉडी के अंदर ही है। आसिफ जी को फीवर ज़्यादा था, बट मुझे इतना ज़्यादा फीवर नहीं है, मुझे तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज दोपहर में भी सोने को नहीं मिला, पूरा दिन हो गया, सुबह से जो क्या है पूरा दिन हो गया, मेरी स्किन देखो कितनी ख़राब हो रखी है, पूरी ना ड्राई ड्राई ड्राई, बॉडी तो ड्राई हो ही रही है, स्किन भी बहुत ड्राई हो गई है। तो चलो स्किन के लिए भी स्किन केयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अपना बस अब वीडियो का एंड करती हूँ, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, मन भी नहीं हो रहा बोलने का, है ना आपको? बंद कर दो वीडियो। अच्छा अच्छा वीडियो एंड करेंगे जल्दी यार, आपको करेगी एंड। हाँ आप जल्दी आप कहेंगे चैनल को ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बोलो मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है आज बहुत दिनों बाद अल्फिया बात करेंगे। हाँ बोलो बोलो, मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करो। ये तो इनके हाल है, एक है कि बोलती नहीं है और दूसरी वाली है कि चुप होती नहीं है। तो चलिए बस नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अभी रुको रुको, ठीक है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। फिर हम किसी और ब्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ आप करो।